नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। दोस्तों, आज हमारा सेकंड मैच है और हमारे ओपनर गौतम जी। हाय एवरीवन। और दोस्तों, थोड़े प्लेयर जो है आगे निकल चुके हैं। दोस्तों, जो ये आगे आगे चल रहे हैं पवन भाई, हमारे डॉक्टर साहब, हमारी टीम के वाइस कैप्टन है। दोस्तों, हमारे कैप्टन साहब जो है हमारे लिए ठंडा लेके आए, और ये हमारे कैप्टन साहब। दोस्तों, हमारे ओपनर जो है ग्राउंड में जो दोस्तों हमारे ओपनर एम्पायर कौन कौन है? गौतम जी उतर चुके हैं। शाबाश शाबाश। नहीं बस बस गौतम है, आराम से पहले बोलो। पहले रुक के शाबाश, क्या डिफेंस है यार, शाबाश, आराम से। कोई बानी आ गई है ओवर का सिस्टम। आ गई है भाई, 6 रन की आ गई है बड़े। चल रनिंग है बस सिंगल करना, सिंगल बस। क्या सुनी बोलो, फिर वो बोलो, तू एंदा बोले शाबाश बाप बंद, शाबाश होता बिंदु, शाबाश। बैटिंग है ठीक है। मतलब सिंगल है संजू मोबाइल देख रहा ना, संजू रहा बस सर, बढ़िया। एक तक बता के बैट थी तो पहले में मेरे को शॉट टीम है। शाबाश बिंदु,
कोई बात नहीं बढ़िया बोल रही है, बढ़िया बोल रहा है, कोई बात नहीं। स्ट्राइकर बोल रहा है फिर भी इनकी टीम का। कोई बात नहीं आराम से खेल। बस बस रहने दो। ये सिंगल इतना जरूरी भी नहीं था। बिंदु लाए हैं शिवा, बिंदु को बहुत ओवर रहा है अभी। कोई नहीं बस सचू भाई तीन पैंती कोई ना पानी कितने छूट गए हाथ से। कोई नहीं गोती मार देना है रगड़ा। बिंदु आएगी फुल मार। एक साइड में चलता जरा शेर अभी शेर हम चल के अंदर बैठ कर हर की प्लेट लेना वो शेर बोल तो प्लेट के लाने से बियोन में सो ना अब फिर भाई आओ तू जूते शॉट ही मार देना। डबल कर अपनी मर्जी खेलना।
संजू खिंच को त्रै फीट से करे इन अपने रेवा से है खिंच गन जा जो वाली उदी तक काफी ऊपर है तमे देते तो दाड़ी हिंदी बाहर दे तू रिंग है 5 50 11 से चल लेना 14 से जाओ राज्य ओ यार सड़ी खड़ा कर दी शुक्र होए मैं बची गया छे ओ चंदन को पता तू हैं छे ओ पांच 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 भाई पांच भाई 11 बजे तुम जो ता 11 चल ये बंद छे ठीक है चल भाई पर पुजुन जो घाटे ना वहां के अगो देरा यूं ने सुन दे दा वहां सुन दा था ना सही नहीं सिर बैठो गौतम साहब मिडिल करके मार संजू छू देता हूं ओवर बड़ी क्रूशियल पता छटे संजी देख के आराम से हां ए बिल्कुल सही है 100 चक्कर जो शॉर्टी मैन जरा डबल डबल ऐसा और नॉर्मल उड़ी प्लेयर कोड़े फिर चौके भवन वाला है तो खाल ना आउट हो गई वो ना टाइट हुई प्लेयर चल रहा है छक्का सिंगल डबल मगुड़े सही है दोस्त रेस अयो 71 रन सातवां ओवर जगुरा ना ए ले चल 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 ओए दौड़ो भाई तरफ क्रीज बनना क्यों अपने पीक हो गए सामने पवन दा ना मैं ये उठा नहीं चाहिए थपते दम चार आना टेरे वाला ओ शॉट बच्चे 18 80 स्कोर ना
यार बहुत दम है ना चाल दम तू मत पिंदू अभी भी कोई आज गोते यार यार तेरे बोल बच्चा ऐसे पानी दम होना गोते नहीं चाल दम यार दीना मौसम जाए ना बैठ यार दम इधर थोड़े किधर ऐसे में थोड़ी यार नहीं है तो संजू मारने बारह93 ये छक्का जरूर पैसे हो रहा चल मारना है दौड़ दो गौतम तो रनिंग पूरी कर रहा है अरे बिनू स्टेप लाइन कर एक तो बटाकना ना खड़ी है कर खड़ी कर सौ कैसे हो बड़े पर गेम नहीं चल बेटा भेजना एक कर दो अंदर मन लेना दो छक्के चली ओहो तब मैच चाहिए ओ यार लाने कैप्टन वाली इनिंग होगी शुरू छक्का मारना एक बारी भाई
वाइड बॉल ना शाबाश बिंदु शाबाश बिंदु शाबाश तीन बॉल है अभी तीन रन कितने भैया 105 दो बॉलर ही लास्ट बॉल लास्ट बॉल छक्का 106 हुए ना 112 भएगा छ ना बाडा इतना को भेरमा आयो नहीं बाडा हैं बाडा क्या बारा मैं हल्ले में गेम ओए डबल कितनी पास कर कोई बात नहीं कोई चल एक रन कंप्लीट है दोस्तों हमारी टीम ने 109 रन बना दिए और अब हमारी गेंदबाजी आई है। भाई आपको पता है कि रिंकू भाई बैटिंग करने गए हैं तो कैमरा मेरी तरफ पकड़ा दिया है तो अब मैं आगे का मैच मैं शूट करूंगा तो कोई गलती गुलती हो तो माफ कर देना प्लीज। की बात है कि हम हार चुके हैं मेरी वजह से मैच ये आ रहे हैं हम पर क्या करें चलो बहुत अच्छी गेम खेली थी हमने भी तो अब हम आपको आगे का मैच दिखाएंगे। ये जो मैच चला है ये है ढला वर्सेस मलानथा और इनको भाई जो ब्लॉगर है हमारे वो मलानथा में खेल रहे हैं तो इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ तो और ये रिक्की उस्ताद हमारे बॉलर लगे हुए हैं स्ट्राइकर बॉलर और ये रिकी है ये अंकु ब्रो रोली से स्ट्राइकर बॉलर है इनकी रफ्तार है 118 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बॉलिंग फेंकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स ये मैच बहुत ही शानदार होने वाला है भाई साहब ये ऐसी बॉल फेंकी थी उन्होंने ना कि आउट होने वाले थे देखो कैसा ये थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं और ये अंकु ब्रो मेरे को लगता है ये विकेट लेंगे इस ओवर में और ये देखो भाई छक्का पहली दूसरी गेंद 6 रन एम्पायर का सहारा 6 रन बॉल है बहुत अच्छी बॉल पर वाइड बॉल क्या करे वाइड बॉल फेंक दी ओ कैच छोड़ते हुए यदि ये कैच हो जाता तो इनकी मेन विकेट रिकी भाई ले लेते। ये जो मैच चला है ये है ढाला वर्सेस मलानथा चैलेंज मैच ओ बॉल ऐसी फेंक दी इन्होंने की भाई बोल नहीं सकते रिकी भाई ऐसी बॉल फेंक रहे हैं और ये भी छक्का 2 छक्के लगते हुए इसी के साथ पहली ओवर में अभी यार अभी विकेट ले लेते रिक्की भाई ओवर डिसमिस नेक्स्ट ओवर। ये जो बॉलर है ये बिन्नू कुमार भटवाड़ा से ये ऐसे बॉलर माने जाते हैं कि भाई इनका मानना है कि मतलब टीम का मानना है कि ये हर ओवर में एक विकेट चटकाएंगे। अब फुल टॉस दे दी थी पहली गेंद और भाई साहब तो अच्छी बैटिंग करते हैं जिसमें 5 छक्के मारे जा सकते हैं। चार रन के साथ गेंद जिस हिसाब से ये गेंद फेंक रहे हैं तो मेरे को लगता है 6 ओवर में इनका मैच फिनिश होने वाला है। बराबर एक दाढ़ी का निकी बाइट बॉल मेरे हिसाब से खोलता
आईडिया और विकेट लेना बहुत ही जरूरी हो गया है टीम के लिए। कसम करे बड़े बाहर बॉल सब कवर मैच है। ये इंद्र भाई लग चुके हैं बॉलर। इंदर को पहली गेंद में पहला छक्का। इंदर के ऊपर थोड़ा जूम करना पड़ेगा मेरे को। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस साहब मतलब इतनी टेंशन ले चुके हैं ये। इधर लैक्स भाई करे बैक फुट लांदा। ये तो 6 ओवरों का मैच लग रहा है मेरे को भी। अबे खेल तू अबे कबाड़। ओ बोल ओए कोको सारे में चौका ले दो यार। पकड़ पकड़ ना को आने एक ही दो चली ना लैग लो बेटे कला से गल आ ना ओपर कट मार के दे। मिस फील्डिंग इसी के साथ बबलू कैप्टन साहब मिस फील्डिंग और मिस फील्डिंग के कारण जाती हुई विकेट जाती हुई मेन प्लेयर की अनु की मेन विकेट जाती हुई जो मैं जूम करके दिखाता हूँ। सॉरी 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 ब्रो सॉरी ब्रो। ये देखो इनकी खुशी देखो। और ये देखो रिकी भाई ने कैच किया था और बबलू भाई जो कैप्टन है मलांता टीम के शाबाशी देते हुए। और ये जो है राजेश बैटिंग पे आए। नेक्स्ट प्लेयर राजेश। ये जो है 5 में विकेट मेन है इनकी। रिक्की ब्रो लगते हुए बॉलिंग पे। यॉर्कर पे यॉर्कर डाल रहे जा रहे हैं और यॉर्कर का ब्रो ये सीन होता है यदि एक बॉल छूट जो जाती है ना तो भाई साहब बिंदु एंड टू एंड गेम नहीं इन द टाइम और लास्ट ओवर क्या अरे तो एंड टू एंड सू चल रहा है एक है अरे अरे थोड़ी छड़ नहीं है। और ये जो है ज्यादा फुल टॉस दे रहे हैं इसी के साथ बने रहे। बहुत ही बुरा हाल है। इसी के साथ अपील बहुत बड़ी अपील पवन कुमार की मलांथा वाले पवन की बहुत बड़ी अपील। और गौतम कुमार बोल रहे हैं कि ये तो 6 ओवरों का मैच था इसी के साथ। गोदे लेग स्टंप पे तो खराब हो गई। बिन्नू कुमार फिर से लगा दिए बॉलर। राजेश कुमार बैटिंग पे। फिर से छक्का। गोते जड़ा अंदर आ गए तैसे होला और मार ये तो तू सब कुटी दे नवा बंदे ने तैसे मिला लिए हूं। अब बेटा मैं गिंडा दूर गिंडा आठ हो मैं ओ करानु मैं ये गोली ठोक पप्पू करानु मैं से का जो ना खराब कर ले रे पैर मुड़ के सोच सो मेरी छक्का। ए अब बोले ए अब बोले ओए नवा जरे नवा तो तैसे और ये आया मेन लेफ्ट का हाल उत्तम कुमार ग्रांड वाला मेरा बगैर। और पवन कुमार जो पिछली बार बहुत ही मतलब बुरी गेंद फेंक के दिन वाला गेंद फेंक पता नहीं क्या होता है आज।
पहली गेंद वाइड यार, यार हद है माँ, एक तो जीतने के लिए थोड़े ना चाहिए। पर पवन की बॉलिंग जो है इस बार मेरे को लगता है कि ये दो विकेट चटकाएंगे। स्पिन सब जो बेस्ट है पवन तेरी स्पिन वाला मुझे पता पैसा भाई दे स्पिन ना भाई दे मैं गेम। ओ फिर से फुल टॉस, फुल टॉस 37 रन चाहिए जीतने के लिए। 7 छक्के जो है फुल टॉस पे जा चुके हैं। बैटिंग बॉलिंग बॉलिंग सही भी है। ओपनर तू है क्या खा ले तेरा भाई चुने तीन ऊपर बंद होए 15 दिन ठीक है क्या देने आ तो होए या ना मेरा कटिया है थोड़ी मलम पट्टी सोलह रन चाहिए 17 रन जीतने के लिए। बहुत ही ओवर है अभी जीतने के लिए इनको। हाँ जी बहुत अच्छी बॉल फेंक दी, एक हाथ फेंकते हैं पर क्या करना वाइड। वाइड बॉल पर अच्छा तू तो पहले क्या तो भी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है सीतला वैसा हो गया मेरे जड़ा क्या चौका चौका 4 रन के लिए गेंद विकेट बहुत अच्छी विकेट। सुकुमार बॉलिंग पे उत्तम कुमार के खिलाफ। ओ किसना 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 यार हमारे सेम शॉट है क्या बच्चों बड़े क्या वो बोल बोलर तो तेरे हो जते ही नहीं हद लेकर कमेंट्री कर दे मलंद कितना रन चेंज हुए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ढाला टीम का जो जो हमारे ढाले टीम के प्लेयर है ओहो आते हुए मेरे को पता था आना है इन्होंने। टिमी नहीं आया यार, टिमी ना आओ और टिमी भाई नहीं आए जो जिसका इंतजार और ये हारते हुए हमारी टीम क्या करे बहुत तेरे दुखद वो है। दोस्तों हमारी टीम जो मैच आ चुकी है आपने देख लिया होगा और इस ब्लॉक को अब यहीं खत्म करते हैं। अफसोस चलो कोई बात नहीं, गेम में हार जीत लगा रहता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।